मुझे बताओ आज मैं तुम्हारे लिए लंच में क्या बनवाऊं? मारिया प्लीज, ये टिपिकल बीवियों वाली बातें ना किया करो मुझसे। लंच पे ऑफिस आ जाना, साथ में कुछ खा लेंगे। रियली? सुनो बीबी, ये मासूम सी शक्ल बनाकर तुम भाई की हमदर्दियां तो जीत लोगी, लेकिन याद रखो, हम अपने भाई की दौलत तुम पर और तुम्हारे खानदान पर लुटाने नहीं देंगे। अच्छा, अब मैं समझा कि तुम आ रही थी हमारे गरीब खाने को रौनक बख्शने। भाई जाहिर है, सुबह से ये शाही इस्तकबालिया की तैयारियां जो हो रही हैं और होनी बनती भी हैं। नहीं, मैं तो अशर भाई के साथ आई हूँ। हाँ हाँ, दुनिया में अबायद तुम्हारे अशर भाई तो हैं, जिनकी मोटरसाइकिल जो है वो पानी से चलती है, पेट्रोल से थोड़ी चलती है। लड़की, ये क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, मैं मालिक हूं इस घर का। कहां है चोर? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सॉरी। हो कौन? मैं आपकी चचेरी बहन हूं, गुले राना। अरे अम्मा, जल्दी खाना ले आओ, बहुत भूख लगी हुई है। और तुम यहाँ क्या खड़ी हो? सर पर दुपट्टा लो। तुम टोपी पहन लो, जाओ बैठो वहाँ पे। आया बड़ा, क्या कर रही हो? मतलब फोन में क्यों झांक रहे हो तुम? बैलेंस खत्म हो गया, 20 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर। मैं कोई दुकान वाली नहीं हूँ, तुम्हें बैलेंस भेजती रहूँ। अच्छा अच्छा, लड़ाई बंद करो तुम दोनों। हर वक्त बहस, ये ले खाना खा ले। अम्मा, ये क्या पका दिया? तुम्हें पता नहीं दाल वाल नहीं खाता हूँ, लेके जाओ। चुप करके खा ले। कमा के तू एक ढेला नहीं लाता है, और नखरे देखो जरा। तुम लोगों के चटोरपन की वजह से पूरे महीने का खर्चा 10 दिन में खत्म हो जाता है। अब मैं दुकान पे जाता तो गाहक नहीं आते तो मैं क्या करूं? तेरा क्या ख्याल है, खाली दुकान पर गाहक तुझे क्या दुआएं देने के लिए आएंगे? अम्मा, इसकी हंसी बंद करा दो, इसकी हंसी की आवाज बाहर जाती है ना, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। आज चुप हो जाओ तुम। अच्छा, तो तेरी गैरत भी है? हर दूसरे रोज तो तू पिट के आता है किसी लड़की के भाई से। वो तो गलतफहमी हो जाती है, मोहल्ले वालों को ऐसी कोई बात नहीं है। जानती नहीं हूं मैं जैसे तेरी गलतफहमी। देख बेटा, अब जो मैंने तुझे पैसे दिए हैं ना, उन पैसों से दुकान में सामान ही लेकर आना। ये मुझे अच्छा नहीं लगता तेरे मामू से बार बार पैसे मांगना। रात को भी भूखा सोया था, और अब ये लोग सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करेंगे। ये मेरा नाश्ता है। मैं वैसे भी कौन सा कोई तुम्हारा झूठा खाने वाला था? ये भी मेरा है। मेरी बात सुनो, ये मेरा घर है, मैं जो चाहे खा सकता हूं। पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं,
रात को भी मैंने तुम्हारी वजह से खाना नहीं खाया, अभी सुबह फिर तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है। ये लो मामू जान की सुन लो, इनके भाई साहब की शहर में शहर से बाहर इतने सारे ऑफिस सब कुछ है, सब कुछ है, ये नहीं होता एक प्यारी सी सीट, अच्छी सी सीट अपने भांजे को वाला अट कर दे, नहीं थोड़े से पैसे दे दिए सारे फर्ज पूरे हो गए मामू जान के। अच्छा बस ना, बक बक बंद कर दे और आराम से खाना खा ले। सुन अदील से बात हुई तेरी? हाँ मैंने फोन किया था उसे और बता दिया उसके घर पे कब्जा हो चुका। खाला और लैला ने तो अधावा बोल दिया है। हेलो, ये तो उनसे भी बड़ा कब्जा ग्रुप है। अम्मा बहुत दिन हो गए लैला नहीं आई, जरा बुला लो फोन करके, रौनक शौनक हो जाएगी। अम्मा वैसे मैं एक आइडिया दूं, जफरी की ना लैला से शादी करवा दे। बहुत अच्छे, तेरा क्या ख्याल है कि लैला और उसकी माँ तैयार बैठे कि लैला की शादी जफरी से हो जाए, है ना? तू भी तो बेवकूफों वाली बातें करने लगी है इसकी तरह से। मैं जा रहा हूँ दुकान पर, अब मैं तभी लौटूंगा जब कुछ कमा कर लाऊंगा। खाना तो खा ले, बाहर पकौड़े खा लूंगा, सर पर दुपट्टा लो। अरे वाह, ये तो मौजा हो गया आज। अच्छा अम्मा मैंने ना आपको एक बात बतानी है, मैंने ना अदील को कॉल की और उसे सबकी ऐसी शिकायतें लगाई हैं कि वो आती ना धक्के देके निकालेगा सबको घर से। सुन ये जो गुले राना है ना, ये खासी खूबसूरत है, ऐसा ना हो कि अदील को अपने जाल में फंसा ले। मैं भी तो खूबसूरत हूँ। हाँ हाँ तू भी खूबसूरत है, मगर तू ना जरा कमाल के यहाँ जाया कर देता। ठीक है ठीक है, जाऊंगी कमाल मामू के घर भी तो और ज्यादा जाऊंगी, और अम्मा को भी ना, मैं हूँ तो सही खूबसूरत, और ये क्या नाम हुआ गुलराना। बुआ फजूल में टेंशन ले रही है, मैंने आपको बोला भी है मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया हूँ, आराम कर रहा हूँ। जी पुपो सूप का बोल दिया है प्लीज। ओके ओके बाय। हे जी इधर आओ। जी कहिए। इधर आओ, कहाँ जा रही हो? बाहर। घर से बाहर? नहीं नहीं लॉन में बैठने। इधर बैठो। लॉन में क्या करने जा रही थी? वो मैं ऊपर बोर हो रही थी तो मुझसे बाजी ने कहा लॉन में चली जाओ, इसलिए। तुम बाजी की हर बात मानती हो? जी क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जीनियस है। क्यों? उन्होंने पानी में तैरने वाला ऑटो रिक्शा ईजाद किया है। आप मेरी बाजी को ऐसे बोल रहे हैं, अगर मैंने उन्हें बता दिया ना तो मुझे आपके साथ बैठने नहीं देंगी। लेकिन आप इतने बुरे नहीं हैं, आप तो अच्छे हैं अदील भाई। थैंक यू। पानी ला दो। जी। अच्छा सुनो। जी। गुलाब को बोला मैंने उसको सूप के लिए कहा था, अगर 5 मिनट में नहीं आया तो मैं वहां पे आके उसका सूप बना दूंगा। वैसे अम्मी बहुत अच्छा सूप बनाती हैं, आप बोले तो मैं उनसे कहूँ कि आपके लिए बना दें। श्योर। मैं भी बोलती हूँ। अच्छा उसने ये कहा? लो मैं तो सोच रही थी कि सेल लगी हुई है, उसको साथ लेकर जाऊंगी राहत को। अम्मा मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, बहुत जरूरी कॉल करनी मुझे। अच्छा मैं करती हूं बात अभी। अल्लाह हाफिज़। अरे तू फिर आ गया दुकान बंद करके? अम्मा बहुत जरूरी फोन करना था, मोबाइल पे बैलेंस खत्म हो गया है और दुकान पे छोटे को बिठा गया है, फिक्र मत करें। अम्मा मुझे बताएं कि मामू के घर कौन से वाले कपड़े पहन के जाऊं, ये देखें। क्या तुम फिर मामू के घर जा रही हो? अभी पिछले हफ्ते तो आई तुम मामू के घर से। हाँ तो तुम्हें क्या मसला है? अम्मा ये मसला क्या, ये वहां जाकर ना आराम से बैठती है, नौकरों पर हुक्म चलाती है, बड़े बड़े खाने ऑर्डर करती है, अगर ये जाएगी ना तो मैं भी जाऊंगा, मैंने कह दिया। हाँ अरे पागल हो गया क्या तू? लड़की है, अच्छा लगेगा वहां जाके पलंग के ऊपर बैठा हुआ हुक्म चलाता हुआ नौकरों को? और वैसे भी कमाल को तेरी ये नाअहली पसंद नहीं है, निखट्टू कहता है वो। काहे का निखट्टूपन, अब दुकान चला तो रहा हूँ, सर पे रख लूं दुकान को। अच्छा बस करो अम्मा, मैं ना कल सुबह चली जाऊंगी मामू के घर, और खाला और लैला का फोन आया ना तो उन्हें बताइएगा कि मैं अमीना के घर हूँ, प्लीज सच नहीं बताइएगा उन्हें। हाँ हाँ जानती हूँ, लैला को पता चल गया ना तो फौरन झट से पहुंच जाएगी वहां। और सुन जो दो लड़कियां हैं ना, हाँ उन पे जरा नजर रखना। हाँ
हाँ ठीक है, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ, वरना अगले हफ्ते मेरी दोस्त की शादी है, मुझे उसके साथ शॉपिंग पे भी जाना था, पार्लर जाना था। अम्मा वो मैं चला जाऊँ अपनी बहन को छोड़ने मामू के घर? अच्छा चल, चला जाइयो। अम्मा लेकिन इसको बता देवा ना, अदील के सामने बोंगियां ना मारे ज्यादा, मुझे इतना शर्मिंदा कर देता है। कौन सी बोंगियां मारी है, कौन सा शर्मिंदा कर रहा, चुप करके बैठी रहो। अच्छा और एक बात याद रखो, तुम जफरी करियाने वाले की बहन हो। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा क्या हो गया है, जब इकट्ठे होते हो लड़ना शुरू कर देते। तो इसको समझाया कर। लगता है किसी मरे हुए जर्नैल की रूह आ गई है तुम दोनों के अंदर। आई तुम्हें कह रही है, मुझे नहीं कह रही, तुम्हें कह रही है। इधर आके बैठ, जाओ यहाँ से, हम दोनों बात करें। बात सुन, वहां जरा ध्यान से रहना, कोई चीज की जरूरत हो तो वो क्या नाम है उसका, गुलाब खान, उसको नहीं पुकारना, उन लड़कियों को कहना, जरा उनको भी अपनी औकात का पता चले ना। हाँ ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही। हाँ ये ना हो कि उनकी दाल गल जाए वहां। नहीं गलेगी, गलने ही नहीं दूंगी। क्या है मामा, मैं इतना इंपॉर्टेंट मैसेज करी थी, क्यों छीना फोन आपने? हाँ सारी उम्र इसी मोबाइल मुंह में लगी रहना, और वहाँ तुम्हारी किस्मत का फैसला दूसरों के हक में हो जाएगा। पहेलियाँ क्यों बुझवा रही है, बात तो बताएं हुआ क्या है? अरे मैं बात करी उस गुले राना और मुनीरा की, अगर जल्द अज जल्द कुछ ना किया ना हमने, तो तुम्हारे जो मामू है ना वो जायदाद का हिस्सा उन दोनों को दे देंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मुझे पहचाना तो नहीं होगा, या पहचान लिया? बताइए मैं कौन हूँ, बताइए। अरे हम इतने करीबी रिश्तेदार हैं लेकिन कभी मिले ही नहीं, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं आपकी बड़ी फूफो का बेटा हूँ या छोटी फूफो का, बताइए। इससे क्या फर्क पड़ता? अरे फर्क क्यों नहीं पड़ता भाई, बिल्कुल फर्क पड़ता, अगर फर्क नहीं पड़ता ना तो बताइए। मेरा नाम क्या है? पता नहीं। देखा अभी तो बताया था कि मेरा नाम जफरी है, जाजबा फुप्पो है ना, उनका इकलौता बेटा जफरी। मुझे अम्मी ने चाय बनाने का। अरे चाय वाय तो बनती रहेगी, छोड़िए ना चाय को, बैठ के बातचीत तो कर ले हम लोग हैं। मेरे ख्याल से नीचे जाना बेहतर रहेगा, आप भी नीचे आ जाए। अच्छा एक काम करते, मेरी बात सुनिए, आप उनको चाय वाय दे दीजिए, अपने हिस्से की चाय और मेरे हिस्से की चाय यहाँ ले आइए, आराम से बैठ कर चाय पियेंगे और गपशप भी करेंगे। ठीक है, वैसे मेरी अम्मी का कमरा है तो आप अम्मी के साथ ही बैठ के चाय पीजिएगा। अम्मी का कमरा, भाई प्यारी तो बहुत है, मासूम भी बहुत है, चालाक भी उतनी है। नए स्कूल में दिल लग गया मेरी बेटी का? जी खाला, स्कूल बहुत अच्छा है। अच्छा फिर तो नई नई सहेलियां भी बनी होंगी। नहीं अभी तक दोस्तें नहीं बनी, लेकिन अशर भाई कह रहे थे आहिस्ते आहिस्ते सब सही हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटा। खाला मेरा इतना दिल चाहता है आपके पास आने को, आलिया बाजी और आपको इतना याद करती हूँ, लेकिन राना बाजी है ना हमें आने ही नहीं देती। अरे तो क्या हुआ, मैं किसी दिन अशर को भेजूंगी, दोनों उसके साथ आ जाना। यहाँ तीन तीन गाड़ियां भी खड़ी हैं लेकिन अम्मी कहती है खामखा यूज ना करो। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा खाला आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, खाना खा के जाएंगी आप। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम लोगों को देखने आई थी, तुम लोगों से मिलने आई थी, अब मैं मिल ली हूँ, मुझे तसल्ली हो गई है। खाने का क्या है, खाना तो मैं घर जाके खा लूँगी। मुनीरा अगर वो तुम्हारी जिठानी होती तो मैं उनसे भी मिल लेती। हाँ भाभी तो ज़रा बाजार गई हुई है, मगर बड़ी ही अच्छी औरत है, कमाल भाई भी अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। लेकिन सलमा सच बताऊँ, अगर भाभी इतनी अच्छी ना होती ना तो हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल था। आओ आओ, अस्सलाम वालेकुम अदील बेटा। हमें भाभी लोगों की खैर मौजूदगी में यहां इस तरह बैठना नहीं चाहिए था। क्या कहता होगा बच्चा, घर पे घर वाले नहीं है तो इन्होंने पूरे घर पे ही कब्जा जमा लिया। अम्मी हम अपने पोर्शन में चल के बैठते हैं ना। नहीं अब रहने तो क्या फायदा।
हाय, आ गए तुम? ये तो तुम क्या समझ रही थी मैं आज से अपने ऑफिस में रहने वाला हूँ जो तुम इस कमरे को अपना कमरा समझ बैठी हो? नहीं, ऐसा क्यों समझूंगी मैं, जबकि तुम्हारी मौजूदगी में भी ये कमरा तो मेरा हो सकता है। मेरा दिल चाहे ये केक उठा के तुम्हारे सर पे मारूं। तुम जानती हो मैं किसी को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करता हूं। ये पहलावा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह खैर करे, ये लड़का इतना क्यों चीख रहा है? जी खाला, मैं देख के आती हूं। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं जाने की, बैठ जाओ। और देखो इस लड़के के सामने तुम दोनों ज्यादा ना आया करो। अच्छा, चिल्ला क्यों रहे हो? करती हूँ साफ। शुक्र करो चिल्ला रहा हूँ अब तक। क्या हो गया बेटे? क्या क्या हुआ है? खैरियत तो है? आप देख रही है मेरे कमरे का क्या हशर हुआ है? आपने इसको आने क्यों दिया मेरे कमरे में? इजाजत क्यों दिया आपने इसको? मैं तो खुद अभी आई हूँ बेटा इस तरफ। आंटी किधर है? गुलाब किधर है? गुलाब को बुलाए। गुलाब! आंटी और गुलाब मार्केट तक गए हैं थोड़ी देर पहले। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? बोला तो है साफ करियो। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट में मुझे एक कमरा साफ चाहिए। मैं बाहर बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ। और आज के बाद इसको मेरे कमरे में इजाजत मत दे जाहिल। आंटी अपनी बेटी को बुलाएं, कहें कमरा साफ करे। क्या सिर्फ चाय? मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ खाने के लिए। अम्मी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं बेटे, चाय नहीं चाहिए मुझे, तुम जाओ ऊपर मारिया के साथ कमरा साफ करवाओ। नहीं आंटी, राणा को मत भेजें, बल्कि तुम जाओ जाके गुलाब को बुलाओ। सॉरी आंटी, मैंने आपकी चाय पी ली। नहीं नहीं, आप पियो बेटा, पियो। ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है, मिलने आई है मुझसे। आंटी वो कल आपने शामी कबाब बनाए थे, बहुत मजे के थे। और हैं? हाँ हाँ हाँ, शामी कबाब तो मैं फ्रीजर में बना के ही रखती हूँ, लाऊं आपके लिए? प्लीज। अच्छा, और वो चटनी भी भेजी थी ना साथ में? इमली की चटनी? जी। अच्छा अच्छा। वैसे आपकी बहन और उनकी बेटियां जब से घर पे आई हैं खाना अच्छा पका लेती हैं। अब बाबा घर पे ही खाना खाते हैं, कभी कभार मैं भी खा लेता हूँ। वो अदील भाई, गुलाब खान आपकी गाड़ी साफ कर रहा है तो बिजी है। हाँ 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 हाँ, उसे मैंने ही कहा था। चलो तुम छोड़ दो, अच्छा है। मारिया ने जो गलती करी है उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स। ए जबान ना चलाया करो। जाओ जाके अपनी अम्मी का हाथ बिठा। यार मारिया बस भी करो, गुस्सा कितना गुस्सा करना है। मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही, और मेरा हक भी क्या बनता है? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस हालत में घर नहीं जाने दे सकता। अगर पप्पो ने तुम्हें देख लिया ना, वो बहुत गुस्सा होंगी और बाबा को फोन करके शिकायतें करेंगी और वो मेरी जान ले लेंगे। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। देखो बस करो ना प्लीज, क्यों कर रही हो ऐसा? तुमने मेरी इंसल्ट की है, वो भी गैरों के सामने। मारिया तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि वो लोग अब इसी घर में रहेंगे, वो लोग इस घर का हिस्सा हैं। तो तुम दोबारा भी मेरे साथ ऐसा करोगे? मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। मेरा मतलब है मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। जाहिर है जब तुम मेरे मूड के खिलाफ बात करोगी तो मैं और क्या करूं, इस बात पे बहस नहीं हो सकती है। गुलेराना, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम क्या प्लीज मेरे और मारिया के लिए अच्छा सा नाश्ता बना सकती हो? मुझे कुछ नहीं खाना, घर जाना है मुझे। तुम एक सेकंड चुप कर सकती हो? तुम खड़ी भी क्यों हो? जाओ
जाके नाश्ता बनाओ और अपनी अम्मी को कॉलेज जाने से पहले ये बात कह देना कि आज लंच भी मारिया की मर्जी का पकेगा। अच्छा वैसे एक शर्त पे मानूंगी फिर मैं। जानता हूं तुम्हारी शर्त। भाई साहब आपसे एक बात करनी थी मुझे। जी भाभी जरूर। ये बच्चियां किसी रोज अपनी खाला के यहाँ जाना चाह रही हैं मिलने के लिए, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ क्यों नहीं, घर में गाड़ी होती है, ड्राइवर भी होता है, जब चाहे जा सकती हैं, और ये पूछने की भी जरूरत नहीं। हाँ मगर आपकी इजाजत के बगैर तो नहीं जा सकती थी ना। नहीं भाभी, आप इन बच्चियों की माँ हैं और इनके बारे में अच्छा ही सोचेंगे ना, और मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनके बारे में फैसला करने में आजाद हैं। शुक्रिया भाई साहब। राना नजर नहीं आ रही। वो मेरी वार्डरोब सेट कर रही है। हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जब भी बाहर से आते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अंडरस्टैंड? सॉरी मामू। कहाँ से आ रही हो? वो आपने इतने पैसे दिए थे ना, उन्हें की खर्च भी तो करना था, इसलिए मैं अपने लिए जाके ढेर सारी चीजें ले आई। बस अब आप एक और काम कर दे मामू, वो जो मेरे रूम का सोफा सेट और पर्दे हैं ना, वो चेंज करवा दे। मैं जब भी उस कमरे में जाती हूँ, पुराना सामान देखकर ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ओके। शाहिदा भाई, शॉपिंग से याद आया कि जब से ये बच्चियाँ आई हैं एक बार भी शॉपिंग पे नहीं गई, तो प्लीज ऐसा करो कि कल इन्हें शॉपिंग पे ले जाओ। क्यों भाई अमना, ठीक कहा ना मैंने? अरे भाई साहब, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और जब होगी तो बच्चियां खुद बताएंगी, आपसे मांग लेंगी। अरे भाभी, इंसान कमाता किस लिए, बच्चों की खुशी के लिए, उनकी आसूदगी के लिए कल शॉपिंग जरूर होगी। अदिल तुम्हें पता है, कल मामू ने जब मेरी शॉपिंग देखी तो फिर क्या बोला मुझसे? हाँ यही कहा होगा, पैसे आसमानों से नहीं गिरते, दरख्तों में नहीं लगते, खर्च किया करो, देख के किया करो, है ना? और ये सुन के तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। वैसे पता है क्या हमारे यहाँ, मुझे तुम्हारा ये ख़राब मूड ना ठीक करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझे। असल में मैं तो ये कहना चाह रही थी कि वो जब मामू ने शॉपिंग देखी ना मेरी, तो उन्होंने इतने सारे पैसे निकाल कर हमने और आना को दे दिए और कहा जाओ इससे भी अच्छी शॉपिंग करके आओ, जैसे हम तो कुछ लगते ही नहीं है ना उनके। और ये सारी बातें सुन के तुम्हारा मूड ऑफ हो गया? यार उनका घर है, उनका पैसा है, जिसको चाहे जितना चाहे दें, तुम्हारा इस सबसे क्या ताल्लुक है? हाँ वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे और मामू के ख्याल के लिए कह रही थी, समझ नहीं रहे ना तुम मेरी बात? कल को अब ये लड़कियां ना अगर पूरे घर पे कब्जा कर लेंगी ना, तो मुझे कुछ मत कहना, मैंने तुम्हें बता दिया था पहले। हेलो। हाँ तानिया। तानिया कुछ नहीं, छोटी सी बिजनेस मीटिंग में। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फ्री हो गया तो मैं कॉल करूँ। एक काम करते हैं, 9 o'clock डिनर। ओके बाय। मेरी बात सुनो मारियो, अपने छोटे से जहन को इतना मत उलझाया करो, जो है जैसा है चलने दो, चाहे इतने सारे लोगों को पैसे बैठते हैं वहां थोड़े और सही, क्या फर्क पड़ता? ये क्या बदतमीजी है तानिया? पता नहीं तानिया कहां से आ गई। मारिया बेवकूफ, बाजार विका दी मंजुए ना कर ढोला तू सानू रंजवे, एक फुल मोती है दमार के जी। बीबी जी जब माली आए तो उसे कहेगा यहाँ पे गुलाब के फूल लगा दें, मुझे बहुत पसंद है। सच में? बीबी मैं भी कहूँ मैं आपको क्यों पसंद हूँ इतना, इसलिए कि मेरा नाम गुलाब है बीबी जी, है ना? आप फिक्र ही ना करें, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं बीबी जी, डोंट वरी। गुलाब खान क्या हो रहा है? साहब जी बीबी जी कह रही थी कि उनको गुलाब के फूल पसंद है। क्या मुझे पसंद है? गुलाब खान अपने काम में ध्यान दो, फजूल जगहों पे खड़े हुए बातें करते हुए मुझे मत नजर आओ, अभी जो कर रहे थे जाके वो करो। और आप
बेहतर यही होगा कि हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करें। इस घर में जो चीजें जैसी चल रही हैं वैसी चलेंगी। शुक्रिया। किस खुशी में तुम मुझे लेने आ गए हो आज? पहले तो कभी याद ना सताई तुम्हें मेरी। तुम्हें लेने कौन आया है? फिर क्यों आए हो? भाई जितना तुम्हारे मामू जान का घर है ना उतना ही मेरे मामू जान का भी घर है, इसलिए मैं भी एक दो दिन यहाँ रहने के लिए आया हूँ। एक दो दिन? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पहली मामू तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से ना इतने खफा रहते हो तुमसे। छोड़ो ना, ये बताओ घर में है कौन कौन इस वक्त? इस घर में रहने वाले काम पे जाते हैं, तुम्हारी तरह निकम्मे नहीं है। मामू रदील ऑफिस में। अच्छा ये बताओ, ये जो मामू जान होते हैं जब इनकी वफात हो जाती है तो इनकी जायदाद में भांजों का हिस्सा होता है या नहीं? देखो क्या शानदार घर है ना। बकवास बंद करो तुम अपनी, किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बुरा होगा। मुझे भी इस घर से निकलवाओगे तुम? अजीब आदमी है, आ जाता है यहाँ पे मेरा भी काम खराब कर देता है। ओहो तो आप भी घर में मौजूद है माशाल्लाह, किचन में काम कर रही है, चाय बना रही। अब मैं आपकी हेल्प कर दूं, दोनों मिलकर करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा। लाएं दिन। अच्छा तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना? कौन सा पहाड़ तोड़ी है वो जो तुम उसकी मदद करने के लिए मरे जा रहे हो? क्या हो गया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई? जहां मैं जा रहा हूँ वहां आ रही हो? बात सुनो, कितनी अच्छी लड़की है, तुमने उससे बैर डाल लिया। हाय कितनी अच्छी कितनी प्यारी है ना। अभी अम्मा को कॉल करके तुम्हारी कारस्तानियां बताती हूँ, वापस बुलाएंगी ना, मजा आएगा तुम्हें। खुदा के लिए अम्मा को मत बताना, अब देखना मैं सीधे मुंह बात भी नहीं करूंगा इससे। बात सुनो भाई, घर में कोई मेहमान वेहमान आता है ना तो उससे ठंडा गर्म पूछ लेते हैं। लाओ अपनी बहन से कहिए ना। हेलो, ओए क्या समझती हो अपने आप को, एक कप चाय नहीं दे सकती मेरे भाई को? देखो तो जरा नहीं यतीमों मस्कीनों के मिजाज। अभी अम्मी को कॉल करती हूँ, आके औकात याद दिला देंगी अपनी। छोड़ो 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 यार, तुम एक कप चाय बना दूंगी। खुद ही बनाओ, मैं नहीं बना रही। मैं मार दूंगा कुर्सी तुम्हारे सर पे। अब तो फोन करके जा जा के बता दो, जाओ जाओ। अभी बता रही हूँ। या अल्लाह तेरा जितना भी शुक्र अदा करूं कम है मेरे मालिक। सोच भी नहीं सकती थी जिस तरह तूने कमाल भाई की सूरत में हमें सहारा दिया है। अपनी रहमतों बरकतों का साया रखना मेरे मालिक, मेरी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। मेरी बच्चियों के नसीब उनकी माँ के नसीब से ज़्यादा अच्छे हों, दुनिया की हर खुशी मिले उन्हें मेरे मालिक। मेरी बच्चियों पर अपनी रहमतें रखना मेरे। क्या हुआ ताबू, अभी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा ठीक हूँ मैं। चाय बना दूँ आपके लिए? थैंक यू बेटा, थैंक यू। कंधे दबा देती हूँ। नहीं बेटा हम ओके। कोई बात नहीं, आपको पता जब अब्बू बहुत थक जाते थे तो उनको मैं इसी तरह दबा देती थी। आप भी अब्बू जैसे हैं। करता फिरे मन मानिया। अरे नहीं बेटा नहीं, मेरे जीते जी मैं अपनी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरा बच्चा तुम तो मेरे जीने की उम्मीद हो, तुम ही तो मुझे हौसला देती हो। आंखों से नींदें रूठी हुई हैं, ख्वाबों की लड़ियां सूखी हुई हैं। गुलाब खान, मामू आपको पता है इस दफा मैं यहाँ आकर बहुत बोर हुई हूँ,
ये जो अदील है ना, ये बिल्कुल टाइम नहीं देता मुझे। बेटा इसे मेरे साथ ऑफिस जाना होता है, वो अपने काम में सीरियस है। घर में रहमना और राना है, उनसे दोस्ती करो, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं। जी बीबी जी, कहाँ थे तुम? चाय ले आओ मेरे लिए, बड़ा सर में दर्द हो रहा है ना। और मेरे लिए लेकर आओ मिल्क शेक, और खुदा के लिए अब ये मत कहना कि फ्रूट खत्म हो गया है। ना जी ना, अब ऐसा नहीं होता। अब राना बीबी हर चीज़ का हिसाब रखती हैं, किचन में कोई भी चीज़ ख़त्म हो उससे पहले ही वो मंगवा लेती हैं। बहुत अच्छी बात है, तो जाओ लेकर आओ। देखा बेटा, राना भी तुम्हारी माँ की तरह घर का कितना ख्याल रखती है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। देखा दिल, राना ने तुम्हारी माँ की तरह दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। आओ बेटा, आ जाओ, आओ। अदील भाई यहाँ आ जाओ। वैसे दुपट्टे वाली बात बहुत अजीब नहीं आजकल के जमाने में? तुम देखो इतनी मॉडर्न यहाँ पर घूम रही हो, रह रही हो, तुम सिखाओ ना राना को फैशन वैशन। कोई जरूरत नहीं है, हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके के हिसाब से गुजारने का हक है। हाँ वो तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा तुम इतनी देर से आ कहाँ से रही हो? मुझे इजाजत लेकर गई थी। हाँ है बेटा, खाला के यहाँ सब ठीक थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, पूछ रही थी बहुत आपको। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, दुपट्टा पहन के भी ना बहुत ही अच्छी लग रही है कसम से मुझे। ये जल्दी आ जाना अदील वापस। उस रोज़ जब हम अशर भाई के यहाँ गए थे तो मैं कितनी खुश थी। आपने देखा था ना मैं कितनी अच्छी तरह ड्रेसअप हुई थी, लेकिन मुझे आप ही ज़्यादा खुश नहीं लगी। अच्छा अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा। हम दोनों गाड़ी में गए थे, मैं पूरे रास्ते बातें कर रही थी, लेकिन आप ही सिर्फ मेरी बात का जवाब दे रही थी। वो तो वहाँ जा के पता चला कि क्या बात थी जिस वजह से आप ही ज़्यादा खुश नहीं थी वहाँ जाने पे। क्यों क्यों खुश नहीं थी वहाँ जाने से? अम्मी अशर भाई के अब्बू का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है। उस दिन शायद उन्हें हमारा वहाँ आना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, वो अपने बोझ महसूस करते हैं। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, अपने यतीम हो गए हैं ना, हमारे बाबा नहीं गए तो शायद इसलिए सब हमारे साथ ऐसा करेंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना अम्मी? इतना तेज बुखार कैसे हो गया अम्मी? घर पे ड्राइवर भी नहीं है, कैसे लेके जाऊं आपको डॉक्टर के पास? को कोई काम करना आता या नहीं आता? जाके उसको फाइल दो, बोलो साइन करें। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, बहुत तेज बुखार हो रहा है उन्हें। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात? घबराने वाली बात है, घर पे ड्राइवर नहीं है, कैसे लेके जाऊंगी उन्हें डॉक्टर के पास? तुम रिलैक्स करो, मैं अपने डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो भी आ जाएगा। तुम इधर बैठे हो आराम से, इधर आओ। क्या हुआ,
आइंदा मुझे हाथ मत लगाइएगा। इनकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है, कुछ मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, इस्तेमाल करो जी। लेकिन डॉक्टर साहब, इनको हुआ क्या था? यूं अचानक इतना तेज बुखार कैसे हो गया? आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ जरूरी टेस्ट करवा रहा हूँ, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। जी, इनको छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने का बहुत शौक है। थैंक यू, आप चले, मैं आता हूँ। थैंक्स ही बोल दो। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारे यहाँ डॉक्टर्स के पास जाया नहीं जाता, वो घर आते हैं। चलता हूँ आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मी, अब आप ठीक है ना? पहले से बहुत बेहतर। कुछ खाएंगी? लेकर आऊं? कुछ भी नहीं, हम ना आ गई? नहीं, बस आने वाली हूँ। काय नहीं, कुछ जाओ जरा किचन को देख लो बेटा, गुलाब और परवीन सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। अम्मी, आप क्यों खामखा परेशान होती हैं? हमारे आने से पहले भी तो ये घर चल रहा था ना? चल रहा था, पर तो और बात थी। वेट, शायदा भी नहीं है घर में, मारिया पता नहीं देखे या ना देखे। जा बेटा जा। ठीक है, मैं जाती हूँ। मन माने ना।